बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि कच्चे आमों की खट्टी मीठी चटनी कैसे बनाते हैं। उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बता देती हूँ वन बाय वन। इसके लिए सबसे पहले ये खट्टे आम मैंने लिए हैं, कच्चे आम। ये तीन अदद आम मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए। आपने बिल्कुल इसी तरह काटने हैं, लंबे लंबे ये मैंने काट के रख लिए हैं। इसके लिए गुड़ चाहिए आपको, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट चाहिए, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टेबल स्पून कलवंजी। अब हम इसको बनाएंगे कैसे ये मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट स्टेप में। प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा। ये मैंने पानी लिया है हाफ लीटर, इसमें मैं ये गुड़ डालूंगी और इसको पकने के लिए रख दूंगी। ये मैंने गुड़ जो है वो पकने के लिए रख दिया है, यहाँ तक कि ये अच्छी तरह इसमें मेल्ट हो जाए पानी में। जी व्यूअर्स, ये पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया, जो मैंने गुड़ डाला था वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो चुका है। अच्छा, गुड़ की जगह आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ अवेलेबल हो आपके पास, लेकिन गुड़ से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब मैं इसमें डालूँगी केरियाँ। ये कच्ची आम जो हैं इनको केरियाँ भी कहते हैं, बाज़ार से इजीली मिल जाती हैं। अब मैं इसमें ये डालूँगी और इनको अच्छी तरह से पकाऊँगी। इनको तब तक पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा हो जाए और जो केरियाँ हैं वो अच्छी तरह गल जाएं। इसके साथ साथ जो है वो मसाले मैं ऐड कर देती हूँ। जो मसाले इसमें डालने हैं, कलवंजी, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक, सारी चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। तो गुड़ जो है वो मैंने एक इसमें वो डाला है पीस। आप इनकी खटास के लिहाज से जो है, आम की खटास के लिहाज से चेक करके डाल सकते हैं, ठीक है, टेस्ट कर लें आप। अब मैं इनको पकाऊंगी अच्छी तरह कि आम जो हैं वो अच्छी तरह गल जाएं। मैं इसको कवर करके रख देती हूँ। केरियाँ जो हैं ये पकना स्टार्ट हो गई हैं, ये देखें ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गई हैं, गलना स्टार्ट हो गई हैं। अभी हम इसको और पकाएंगे कि पानी जो है वो ड्राई हो जाए। जी व्यूअर्स, हमारी चटनी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ये देखें गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है और जो केरियाँ हैं वो भी अच्छी तरह गल चुकी हैं। इसको हम टेस्ट करके देख लेंगे इसकी जो शुगर कंटेंट है वो कम है या ज़्यादा है। इसमें जो है वो कम लग रहा है मुझे, मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ जो है वो हाफ पीस जो है वो और डालूँगी और इसको पकने के लिए दोबारा से रख लूँगी। जी व्यूअर्स, हमारी कच्चे आमों की मीठी खट्टी चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। आजकल जैसे आमों का सीज़न है तो आप ज़रूर ट्राई करेंगे और कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमें। अगर आपको कोई और रेसिपी रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट में हमसे डिमांड कर सकते हैं। उम्मीद है आज आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल।
और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।